आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है दैट अ शॉर्ट लाइफ फेज बिटवीन मियोसिस टू एंड सॉरी यहाँ पे वन आना चाहिए मियोसिस वन एंड मियोसिस टू इज ठीक है शॉर्ट लिव्ड फेज बिटवीन मियोसिस टू एंड मियोसिस वन या फिर मियोसिस वन एंड मियोसिस टू तो वो क्या होगा। तो देखिए मियोसिस वन जो होता है वो हमेशा ही एक रिडक्शन डिवीजन है, वहाँ पे टू एन से जो प्लॉइडी है वो एन में चेंज हो जाएगी, और मियोसिस वन जो होता है वो एक रेप्लिकेटिव जो है हमारा वो फेज है जहाँ पे क्या होगा हमारा रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन यानी क्लोन्स फॉर्मेशन होगा, मतलब एक मियोसिस माइटोसिस जैसा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे क्या है एन से डायरेक्ट एन ही बनेगा। इसके बीच में इस पूरे प्रोसेस के बीच में एक छोटा फेज होता है जिसे हम क्वेश्चन में पूछा है कि उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए डाइकाइनेसिस जो है ये तो हमारा मियोसिस वन का पार्ट है, ठीक मियोसिस वन का पार्ट है। फिर है हमारा इंटरकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और इंटरफेज। साइटोकाइनेसिस तो हमारा साइटोप्लाज्म का डिवाइड है, ठीक है साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज हमारा एक फेज है जो कि एम फेज के बाद आता है, और पूरा जो है हमारा वापस से सेल अगर G1, G2 और S फेज में जाएगा उसके पहले, ठीक है। तो एम फेज और इंटरफेज दो टाइप के फेजेस होते हैं, G1, G2, G0, S फेज, ये सब इंटरफेज में आएगा, और फिर है हमारा एम फेज जहाँ पे सेल डिवाइड करेगा। तो इंटरकाइनेसिस विल बी हमारा यहाँ पे आंसर, क्योंकि इंटरकाइनेसिस वो हमारा एक छोटा सा लाइफ स्पैन है जहाँ पे मियोसिस वन से मियोसिस टू स्टार्ट होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।